नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां कई तरह के लोकल और टेस्टी खाने मिलते हैं, और इसीलिए यहां किसी भी एक तरह के हेल्दी कुकिंग ऑयल की चॉइस करना बहुत ही मुश्किल है। आमतौर पर इंडियन खाना तेल के बिना अधूरा माना जाता है, और दोस्तों बाजार में इतनी वैरायटी के कुकिंग ऑयल्स की मौजूदगी के कारण आजकल ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि इनमें से सबसे बेस्ट खाना पकाने का तेल या कुकिंग ऑयल कौन सा है, और हम में से ज्यादातर लोग इन कुकिंग ऑयल्स के दीर्घकालिक प्रभावों या लॉन्ग टर्म इफेक्ट से अनजान होते हैं, अर्थात ये नहीं जानते हैं कि इनका हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी उलझन में रहते हैं कि रिफाइंड ऑयल और सरसों के तेल में से कौन सा तेल हेल्दी और बेहतर है, तो आज का ये वीडियो आपकी इस उलझन को दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, एक हेल्दी कुकिंग ऑयल का यूज करने से हमारे शरीर के अंगों का स्वास्थ्य बनाए रखने में और उसे सही पोषण देने में मदद मिलती है। दोस्तों, वैसे तो पोषक तत्वों और कैलोरी के मामले में दोनों ही तेल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सरसों के तेल में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। इसमें ग्लूकोसिनोलेट भी होता है, जिसमें रोगानुरोधी गुण होते हैं जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन या संक्रमण से लड़ते हैं। ये विटामिन ए और ई से भी भरपूर होता है, और इसमें ओलीक, लिनोलिक और एरुसिक एसिड जैसे फैटी एसिड्स भी होते हैं जो इसके कई स्वास्थ्य लाभों में योगदान करते हैं। दोस्तों, ये खास करके पेट या कोलन, मूत्र प्रणाली, पाचन तंत्र और उत्सर्जन प्रणाली या एक्सक्रीटरी सिस्टम में होने वाले इन्फेक्शन से लड़ता है। दोस्तों, सरसों का तेल ऑर्गेनिक सरसों के बीजों को क्रश करके या उन्हें पानी के साथ पीसकर बनाया जाता है, और फिर इस मिश्रण को साफ या डिस्टिल करके शुद्ध और नेचुरल सरसों का तेल बनाया जाता है, जबकि रिफाइंड ऑयल किसी भी पौधे या वनस्पति तेल को केमिकल्स डालकर फिजिकली या केमिकली प्रोसेस करके बनाया जाता है। और दोस्तों, क्योंकि कच्ची घानी के सरसों के तेल को बनाने में कोई रिफाइनिंग या केमिकल्स नहीं यूज किए जाते हैं, ये पूरी तरह से नेचुरल होता है, और इसमें गुड फैट्स होते हैं जो रक्त वाहिकाओं या ब्लड वेसल्स में नहीं जमा होते हैं, जबकि रिफाइंड ऑयल केमिकली प्रोसेस्ड होने के कारण हमारे ब्लड वेसल्स में जमा होता या चिपक जाता है, और जो हमारे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर और श्वसन प्रणाली या रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए दोस्तों, अब हम नियमित सरसों का तेल खाने के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानते हैं। सरसों का तेल अपने एंटी माइक्रोबियल गुणों के कारण हानिकारक रोगाणुओं या माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। दोस्तों, NCBI या नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन द्वारा पब्लिश किए गए एक रिसर्च में ये पाया गया कि अन्य एंटी माइक्रोबियल तेलों की तुलना में सरसों का तेल हमारे शरीर में हानिकारक बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरियाज और फंगस के विकास को रोकने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। सरसों का तेल हमारी त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। दोस्तों, नियमित रूप से स्किन और बालों पर सरसों का तेल मालिश करने या लगाने से हमारी स्किन टिश्यू मजबूत बनती है, और ये स्किन बैरियर फंक्शन को भी बढ़ाता है एक हेल्दी हार्ट और ब्लड शुगर के लिए। दोस्तों, सरसों के तेल में मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या मूफा हमारे दिल की सेहत में सुधार करते हैं, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करते हैं और एक हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को भी बनाए रखते हैं। मूफा LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिससे भी एक हेल्दी हार्ट को बढ़ावा मिलता है, और जो हृदय रोग होने के रिस्क को भी कम करता है, जो आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर और शरीर में ज्यादा वसा या फैट के कारण होता है। सरसों का तेल एक बहुत ही अच्छा सूजन रोधी या एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। दोस्तों, गठिया या आर्थराइटिस होने पर सरसों का तेल लगाने से बहुत आराम मिलता है, क्योंकि ये ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है जो गठिया के लक्षणों से छुटकारा दिलाते हैं, शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और सूजन या इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। सरसों के तेल के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से भी राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये हमारे स्टमक लाइनिंग या पेट की सुरक्षा कवच की सूजन या इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद करता है। साइंटिफिकली भी सरसों के तेल में एलिल आइसोथियोसाइनेट नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सरसों का तेल कुछ टाइप्स के कैंसर्स को भी होने से रोकता है।
दोस्तों, सरसों के बीज इस एलिल आइसोथियोसाइनेट से भरपूर होते हैं जो कुछ टाइप्स के कैंसर्स की ग्रोथ को कम करता है। इसीलिए नियमित रूप से सरसों के तेल का सेवन करना हमारे शरीर में कैंसर सेल्स की ग्रोथ और उनके बढ़ने को भी रोकता है। ये रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार करता है। दोस्तों, सरसों का तेल हमारे बॉडी ऑर्गन्स या विभिन्न अंगों को बहुत ही तेजी से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करता है और इस तरह ये उनकी फंक्शनिंग और प्रोडक्टिविटी या कामकाज में भी सुधार करता है। इसकी मदद से हमारा पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि ये हमारे लिवर और स्प्लीन से गैस्ट्रिक जूसेस और बाइल के स्राव या सेक्रीशन को भी बढ़ाता है। सरसों का तेल कफ को भी होने से रोकता है। दोस्तों, सरसों का तेल हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है और हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को गर्म करता है, जो हमारे शरीर में ज्यादा कफ को बनने और जमा होने से रोकता है। ये हमारी सांस लेने की प्रक्रिया या ब्रीदिंग को भी बेहतर बनाता है, जो हमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी कई गंभीर सांस की बीमारियों से बचाता है। इसका स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट हमारे श्वसन प्रणाली या रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखता है। और दोस्तों, लास्ट में आयुर्वेद हमें किसी भी तेल या सरसों के तेल का भी ज्यादा इस्तेमाल न करने की सलाह देता है, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में एरोसिक एसिड होता है जो दस्त या अनीमिया का कारण बन सकता है। ये त्वचा पर फोड़े, फुंसी और राइनाइटिस का भी कारण बन सकता है। दोस्तों, इसीलिए आप सरसों के तेल का हमेशा एक सीमित मात्रा में ही सेवन करें। दोस्तों, अब तक ये बात तो क्लियर हो ही चुकी है कि सरसों के तेल के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं और यही रोज का खाना पकाने के लिए सबसे बेस्ट तेल होता है। ये रिफाइंड ऑयल की तुलना में काफी हेल्दी होता है और ये पूरी तरह से नेचुरल होता है, जबकि रिफाइंड ऑयल इसका ठीक उल्टा होता है। दोस्तों, आशा है कि आज का ये वीडियो आपको सरसों के तेल और रिफाइंड ऑयल में से सही चॉइस करने में मदद करेगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।